स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, दैट इज ग्राफिकल मेथड। लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था हाफ लाइफ मेथड के बारे में। आज की क्लास में बच्चों हम स्टडी करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ग्राफिकल मेथड क्या है? देखो बच्चों, ग्राफिकल मेथड से हमें कैसे पता चलता है कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड की है, या बच्चों थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो बच्चों, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जब हमने काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस को हमने स्टडी किया था, तो साथ साथ में बच्चों हमने वहाँ पर ग्राफ्स को प्लॉट करना भी सीख लिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों उन्हीं ग्राफ की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बच्चों आपको इस सिचुएशन में क्या गिवन होगा, हमें ग्राफ गिवन होगा और हमें उस ग्राफ को देखकर ये पता करना होगा कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने तीन टाइप्स के ग्राफ को बच्चों एज यूजुअल प्लॉट किया है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी, सेकेंड थर्ड एंड ओके बच्चों, और फिर उसके ऐसे ही बच्चों हम क्या कर सकते हैं, nth ऑर्डर की काइनेटिक्स के लिए भी उन्हें प्लॉट कर सकते हैं। ओके तो बात करते हैं बच्चों हम ओनली थर्ड ऑर्डर तक की रिएक्शंस की, क्योंकि आपके सिलेबस से बच्चों वैसे तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ओके तो बच्चों, रेट कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है? फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों ग्राफ हमारे पास क्या आता है? ग्राफ इज पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। ओके तो बच्चों, ये पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस क्यों आता है? देखो, जीरो ऑर्डर के लिए क्या रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है? नहीं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि बच्चों वहाँ पे क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर जीरो, इट मींस रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन एंड दैट्स व्हाई ग्राफ इज पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। ओके देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, दैट्स वाई अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्टेन। एंड थर्ड, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज रेट वर्सेज कंसंट्रेशन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर है, कंसंट्रेशन नहीं है, ठीक है, अदरवाइज क्या होता आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप इक्वेशन बनती है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, याद है ना आपको वो चीज़ें, किस टाइप की इक्वेशन बनती बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन हमारे पास बनती। बट बच्चों यहाँ पे है ही क्या, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन स्क्वायर। देखो सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ओके अगर बच्चों ये y एक्सिस पर है, तो ये m और ये x स्क्वायर, ये पूरा कंसंट्रेशन का स्क्वायर बच्चों किस पे लिया हुआ है, x एक्सिस पर, तो y इज इक्वल टू एम एक्स टाइप इक्वेशन बनी ना, तो मीन्स ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज हेयर इंटरसेप्ट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, जीरो है। ऐसे बच्चों हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, हमारे पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्यूब, इसके वर्सेस जब हम ग्राफ लोड करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों बिल्कुल सेम पैटर्न पर, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन रेज टू पावर थ्री, तो रेट बच्चों वाई एक्सिस, ये m और बच्चों ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन का क्यूब x एक्सिस पर। ओके तो हमें इस टाइप का ग्राफ ऑब्जर्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हमें रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ हमें गिवन है, तो हमें तभी पता चल जाएगा कि वो हमारे पास जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड है या थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ पे कर्व, ये ग्राफ तो क्या है, सेम है, हमें कैसे पता चलेगा फर्स्ट सेकेंड है? बच्चों यहाँ से, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर है, और थर्ड ऑर्डर में बच्चों कंसंट्रेशन क्यूब है। ओके नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास सेकंड टाइप का ग्राफ, दैट इज़ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम भी बच्चों एक बड़ी खास सी बात है, आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहले बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको याद हो, हमने जब एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन को हमने स्टडी किया था, तो बच्चों वहाँ पर क्या आया था, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी वर्सेस टी,
ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ आता है लाइक दिस विद अ नेगेटिव स्लोप एंड विद अ इंटरसेप्ट। ओके, ए नॉट बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है हमारा। तो हमारे पास ये ग्राफ आता है ओके जीरो ऑर्डर के लिए। अब ध्यान से देखना बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए लॉगरिथम ऑफ लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी वर्सेस टाइम, ठीक है, तब आपके पास ऐसा ग्राफ आया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव स्लोप है और एक पर्टिकुलर इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास ये ग्राफ कैसा आएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट क्या था बच्चों, लॉग ऑफ ए नॉट, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ ए नॉट। ओके, उसके बाद बच्चों अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से देखना कि सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ किस में प्लॉट किया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ 18 ही है। दिस इज इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम ग्राफ को बच्चों हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/ कंसंट्रेशन ऑफ 80 स्क्वेयर, यहाँ पे स्क्वेयर हो जाता है बच्चों वर्सेस टी, तो ग्राफ क्या आएगा सेम। ठीक है, कर्व सेम होगी, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/80 स्क्वेयर और हेयर 1/80। ओके, तो ये आपको पहचान रखनी है कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बच्चों उसमें हमेशा क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ 80। ओके, लॉग टू द बेस 80 और यहाँ लॉग टू द बेस 10 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास सेकेंड टाइप का ग्राफ। थर्ड टाइप का ग्राफ है बच्चों हमारे पास टी हाफ हाफ लाइफ टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके बच्चों, अभी हमने ये स्टडी किया था हाफ लाइफ मेथड में कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। तो बच्चों हमने क्या देखा था, हमने देखा ऑब्जर्व किया था कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कैसे वेरी करता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड दैट्स वाई ग्राफ इज लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद पॉजिटिव स्लोप। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द ग्राफ इज, देखो बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए वैल्यू क्या होती थी, टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन बाय में 2k, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों टी हाफ की वैल्यू क्या होती थी, 0.693 डिवाइडेड बाय में के, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो बच्चों इसलिए यहाँ पे ग्राफ कैसा आया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आता है बच्चों, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास था टी हाफ इज इक्वल टू 1/k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो ए नॉट के वर्सेस ग्राफ था, यहाँ पे 1/a0 के वर्सेस ग्राफ है। ठीक है, मान लो कि सेकेंड और थर्ड के लिए जो कर्व की जो टाइप आएगी वो बिल्कुल सेम आएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए भी ऐसे ही, थर्ड ऑर्डर के लिए बच्चों ऐसे ही, बट डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या था 1/a0 और बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1/a0 स्क्वेयर होगा। ओके, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा बच्चों 1/a0 स्क्वेयर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इस तरीके से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, कैसे, अगर हमें बच्चों कोई ग्राफ दे दिया जाए और हमें बताना उस ग्राफ को देखकर कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही स्टडी करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लो मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।